स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 4.13 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है यहाँ पे कि इफ कॉस इनवर्स एक्स बाई टू प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई थ्री इक्वल टू में अल्फा हो तो हमें यह प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई के लिए फॉर्मूला जानते हैं ना। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज को पहले लिख देता हूँ ऊपर में, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के लिए मैंने पहले ही प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस माइनस रूट अंडर 1 - x² और इनटू में रूट अंडर 1 - y² होता है। और इसके लिए कंडीशन भी आपको बताया था कि इफ -1 से ग्रेटर हो आपका एक्स और इक्वल टू हो एक्स, वाई लेस देन और इक्वल टू 1 हो और एक्स प्लस वाई जो हो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 हो, तो इस कंडीशन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया। तो यहाँ पे तो हमें नहीं पता चल रहा है एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, वैसे मैं इसी को यूज करने वाला हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉस इनवर्स एक्स बाई टू इंटू वाई बाई थ्री माइनस रूट अंडर 1 - x² का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 - y³ का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू में अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है, कॉस इनवर्स को तो लगा सकते हैं ना। यहाँ जाएगा एक्स वाई बाई में 6 और यहाँ पर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 - x² / 4 और रूट अंडर 1 - y² / 9 इक्वल टू में कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग अंदर एलसीएम ले लेंगे, एक्स वाई बाई 6 माइनस रूट अंडर, यहाँ एलसीएम होगा आपका 4, 4 - x² और यहाँ पे देखो यहाँ एलसीएम होगा आपका 9, यहाँ जाएगा 9 - y² और इक्वल टू में आ जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक्स वाई बाई में 6 माइनस रूट अंडर 4 - x² और यहाँ बाई में 2 हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ रूट अंडर 9 - y² और बाई में यहाँ 3 हो जाएगा, 9 का रूट 3 होता है और इक्वल टू में कॉस अल्फा, ये भी आपका 6 ही होगा। तो एलसीएम ले लेते हैं 6, आ जाएगा एक्स वाई माइनस का रूट अंडर 4 - x² इंटू में रूट अंडर 9 - y² और इक्वल टू में कॉस अल्फा, ये जाके उधर मल्टीप्लाई कर देगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस रूट अंडर 4 - x² और इंटू में रूट अंडर 9 - y² इक्वल टू में 6 cos α। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं इधर लेके आता हूँ और इसको उधर भेज देता हूँ, तो एक्स वाई माइनस का 6 cos α और इक्वल टू में हो जाएगा रूट अंडर, प्लस में ही आएगा या माइनस में, इधर आके प्लस में रूट अंडर 4 - x² और इंटू में रूट अंडर 9 - y², ठीक है इतना। चलिए तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, लिखते हैं स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए स्क्वायर करने से क्या होगा, तो इधर आ जाएगा एक्स वाई माइनस 6 cos α का स्क्वायर और इक्वल टू में इधर हो जाएगा आपका रूट अंडर 4 - x² और इंटू में रूट अंडर 9 - y² का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट यहाँ ये हट जाएगा, यहाँ पे देखो कॉ यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर पे सेट करेंगे, तो यहाँ x² y², ठीक है, या एक ही बार पहले स्क्वायर दे दो दोनों के ऊपर, एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में आपका एक्स वाई इंटू में 6 cos α और प्लस में 6 cos α का होल स्क्वायर। और इधर देखो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 9 - x² है और इंटू में आपका 9 - y² है, सॉरी 4 - x² है और इंटू में 9 - y², तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 माइनस का 4 y² माइनस का 9 x² और प्लस का 6 y², ठीक है। तो यहाँ देखो ये आपका 6 y² हुआ, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 xy cos α और प्लस में 36 cos α का होल स्क्वायर बचेगा। तो कॉस अल्फा का देखो 9 6 + cos α का होल स्क्वायर है ना जी, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने 36 और कॉस अल्फा का स्क्वायर को हम लोग 1 - sin² α नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इक्वल टू में 36 माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 x² पहले से लिख दो, फिर माइनस का 4 y² और फिर ये प्लस का
2y² ये देखो, और ये कट जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे माइनस का 12xy cos α प्लस में 36 और माइनस का 36 sin²α इक्वल टू में 36 - 9x² - का 4y². 36 36 यहाँ कट जाएगा। एक काम करते हैं, ये x² y² वाले को इधर लेते हैं, तो 9x² माइनस का 12xy cos α और ये माइनस वाला इधर रखे प्लस का 4y² और इसको उधर भेज देते हैं, इक्वल टू में 36 sin² α। जो हमें प्रूफ करना था उसी तरह से दिखा दिया हमने, प्रूफ हो गया ना ये। चलिए।